खबर कन्नौज से है, जहां नरुईया के भाजपा नेता अरुण साह के हत्याकांड में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सपा का प्रतिनिधि मंडल सुबह मृतक अरुण साह के घर पहुंचा है। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने सपा प्रतिनिधि मंडल को लेकर कटाक्ष किया है। सांसद ने कहा, क्या हत्यारे सपा नेताओं को पार्टी से निकाला गया? कानपुर देहात जाकर बलवंत पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव यहाँ खुद क्यों नहीं आए? सांसद का सवाल था कि क्या अरुण शाक्य के हत्यारों को सपा का मूक समर्थन है? उन्होंने फिर छिबरामऊ में 2004 का नीरज मिश्रा हत्याकांड को उछाल दिया है। सुना है कल कन्नौज में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है। वो प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरुण शाक्य, जो कि वहां के पूर्व प्रधान भी थे, उनकी पीट पीट कर घर में बंधक बनाकर उनकी निर्मम हत्या की गई थी। अच्छा है, देर सही, कम से कम समाजवादी पार्टी को ज्ञान तो आया। लेकिन जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों कानपुर में पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु, जिसके ऊपर हमारी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, और दूसरा उस परिवार, जो हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी का परिवार है, और वो भी उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी वहां के ऊपर राजनीति करने पहुंच गए। लेकिन क्या कन्नौज, जहां से वो स्वयं सांसद रहे हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी भी वहां से सांसद रही हैं, उनको यहां पर आने का उनके पास में समय नहीं था? एक प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मरने वाले वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अथवा नहीं है। उन्होंने आज तक यह नहीं कहा कि उनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। और दूसरा, जिस प्रकार से एक मूक मदद उनकी जिस प्रकार से की जा रही है, और उसके बाद यह राजनीति करने यहाँ के ऊपर आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये असहिष्णुता की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को यदि दूसरे लोग तैयारे पूर्व प्रधान अरुण को मारते हुए कह रहे हैं कि साला बहुत बड़ा भाजपा ही बनता है, और इस प्रकार से पीट पीट कर उसको बुरी तरीके से मार रहे हैं, ये मैं नहीं, उसकी माता जी का बयान है जो कि वहां मौके के ऊपर थी। मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मांग करता हूं कि वो तत्काल ऐसे लोगों को अपना स्पष्ट बयान दें कि इनको पार्टी से निकाला जा रहा है, उन गुंडों को जिन्होंने उसकी हत्या की, और भविष्य में उनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं होगी। और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी अपने वकीलों को तैयार करे और उनके खिलाफ अरुण की मदद करने के लिए वकीलों को लगाए, जो कि लोगों को दिखाई पड़े, जनता को दिखाई पड़े तो अच्छा होगा। और नहीं तो जिस प्रकार से आप उनकी मूक मदद कर रहे हैं, और आप उस मूक मदद उनकी करते रहेंगे, और भविष्य में यदि आपको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको जेल से छुड़वा भी देंगे, जैसे पूर्व में नीरज मिश्रा की हत्याकांड में हो चुका है।